हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांत्रा इलेक्ट्रिकल हब। आज का टॉपिक है वाटर प्यूरिफायर के बारे में। फ्रेंड, अब देख सकते हो मेरे पास एक वर्लपूल का वाटर प्यूरिफायर है। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें मोटर नहीं चल रहा है, पानी नहीं फिल हो रहा है, पानी नहीं आउट हो रहा है। तो फ्रेंड, इधर देख सकते हो इसमें एक रॉ वाटर का इनलेट है, एक रिजेक्ट वाटर है। इसमें पानी का प्रेशर भी सही है लेकिन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको पानी से डिस्कनेक्ट करके इधर लेके आया हूँ चेक करने के लिए। फ्रेंड, पहले आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इधर देखिए, मैंने यहाँ पे स्विच दिया, SMPS ऑन हो गया, लेकिन मशीन में कुछ आवाज नहीं आ रहा है, फुल्ली डेड कंडीशन में है, इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। देखिए, ये जो नॉब है वाटर का टैप है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से खुल जाता है। इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने से खुल जाएगा। देखिए, मैं खोल रहा हूँ। फ्रेंड, खुल गया। इसके बाद देखिए, इस चारों में 2 3 4 इस चारों में स्क्रू लगा रहे थे, इसको मैंने खोल दिया, खोल के रखा हूँ। इस खोलने के स्क्रू को लूज करने के बाद इसको अच्छे तरह से थोड़ा ऐसे करके आगे की तरह खींचना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, इसको खोल दिया, ओपन हो गया। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पे DC 24 वोल्ट दिया है, इन कर दिया, कुछ आवाज नहीं है। तो पहले मैं मीटर को 24 वोल्ट की रेंज, 200 वोल्ट की रेंज में रख रहा हूँ। फिर इसमें इनलेट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, जो DC सप्लाई है, आप देख सकते हो 20.3 वोल्टेज है, इसमें दे रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखने कैसे काम करेगा, यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पे 230 वोल्ट AC है, उसके बाद एक SMPS है, जो SMPS दिखाया, और जो SMPS है, SMPS, उसके बाद 24 वोल्ट DC इधर इन हो रहा है, इधर 24 वोल्ट DC ऑन हो रहा है। उसके बाद एक फ्लोटिंग स्विच है, ये वाटर प्यूरिफायर का वाटर टैंक है, जब वाटर फिल हो जाता है यहाँ पे एक फ्लोटिंग स्विच लगा रहता है। ये नॉर्मली एक स्विच है, ये नॉर्मली NC रहता है। उसके बाद एक आता है पावर पॉजिटिव घूम के आता है। उसके बाद LPS लो प्रेशर स्विच है, ये नॉर्मली NO रहता है, जब प्रेशर रहता है वाटर का तब इस क्लोज होता है। उसके बाद एक देखिए आप SB है, SB उसका पैरेलल में लगा है। उसके बाद SB है, अब इधर देख सकते हो एक SB है, सोलेनोइड वाल्व है 24 वोल्ट का, उसके साथ पैरेलल में एक पंप लगा है 24 वोल्ट का पंप, एक पंप है, ये पंप मोटर को पंप करता है लेकिन काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड, अब इधर देख सकते हो ये लो प्रेशर स्विच है, जब वाटर का प्रेशर लो हो जाएगा तब ये फ्लोटिंग जो लिप स्विच है, मतलब लो प्रेशर स्विच है, ये वाला लो प्रेशर स्विच कांटेक्ट होता है, छोड़ता है, तब घटक घटक दब दब करके ऐसा आवाज होता है। तब आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो लो प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम हो रहा है, प्राणी का प्रेशर लो हो रहा है। तो आप लोग घर में देख सकते हो क्या होता है ना, घर में एक सेडिमेंट फिल्टर अलग से लगा रहता है, उस फिल्टर से होके पहले टैप से पानी आता है, एक सेडिमेंट फिल्टर में अलग से लगा रहता है, उसके बाद पानी आके इन होता है, उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट रहता है तो प्रेशर लो होता है। तो क्या चेक करना है, अगर एक बार चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, मोटर चलने की साउंड आ रहा है, बंद हो रहा है, उस टाइम आप लोग क्या चेक करना है, पानी का प्रेशर चेक करना है। तो यहाँ पे इस केस में पानी का प्रेशर सही था, उसके बाद लो प्रेशर जब काम करता है तब मोटर चलता है। तो अभी देखेंगे क्या दिक्कत है। फ्रेंड, यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स है, एक बॉक्स को लगा के रखा है, बस लगा बॉक्स दिया रहता है, तो मैं इसको खोल रहा हूँ अभी। देखिए, खोल दिया। फिर देखिए फ्रेंड, इधर से देखिए, टोटल इखन इधर से आके 24 वोल्ट इधर इन हो रहा है। तो मैंने इसको आप लोगों को दिखाने के लिए इधर देखिए 24 वोल्ट इन हो रहा है, मीटर को देखिए 24 वोल्ट इन हो रहा है, लेकिन मोटर काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। तो इस मोटर को चलने के लिए इधर मोटर है, तो मोटर को चलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जाना चाहिए। तो इधर से जो आया है पॉजिटिव इधर डायरेक्ट चला गया मोटर, लेकिन नेगेटिव को इधर से लेके एक फ्लोटिंग स्विच में लेके गया, उसके बाद फ्लोटिंग स्विच से लेके आके लो प्रेशर स्विच में गया,
लो प्रेशर स्विच से लेके आया, लीटर लेके आया, उसके बाद मोटर में दे दिया और इधर सोलेनोइड वाल्व में दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इधर कॉमन किया है तो इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में मीटर प्रोब को रख देंगे। मीटर प्रोब को रख दिया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड इधर 24 वोल्ट है, नीचे भी 24 वोल्ट आना चाहिए। फिर नीचे 24 वोल्ट फ्रेंड नहीं आ रहा है, 24 वोल्ट नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। फिर इधर नीचे नहीं आ रहा, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है इस स्विच में। अभी तो आ रहा है, अभी जब आ रहा है तो नीचे इधर आना चाहिए था, इधर भी आ रहा है। इधर जो लो प्रेशर स्विच है इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, लो प्रेशर स्विच को शॉर्ट कर दिया। उसके बाद देखते फ्रेंड, देखिए अभी इधर 24 वोल्ट है, मीटर की तरफ देखिए, देखिए फ्रेंड 24 वोल्ट चला जा रहा है। फिर इसको लो प्रेशर को स्विच को शॉर्ट कर रहा हूँ तो 24 वोल्ट चला जा रहा है। फ्रेंड ध्यान से देखिए 24 वोल्ट चला जा रहा है, लेकिन लो प्रेशर स्विच को छोड़ दे रहा हूँ 24 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब फ्रेंड क्या है, इधर प्रॉब्लम अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैंने लो प्रेशर स्विच को शॉर्ट कर रहा हूँ चिमटे फॉरसेप की मदद से। देखिए इधर शॉर्ट कर दिया, इधर देखिए फ्रेंड 24 वोल्ट है लेकिन इधर आउटपुट नहीं दे रहा है। फ्रेंड क्या होता है, अगर इस यहाँ पे खोल देंगे तो 24 वोल्ट इधर आ जाएगा। फ्रेंड यही प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है। एक तरफ से सोचेंगे तो माइनर ही है, लेकिन क्या है ना, मीटर देखे हम लोग जब चेक करते हैं इधर तो वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब फ्लोटिंग स्विच सही है, ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन फ्रेंड ये फ्लोटिंग स्विच सही नहीं है, इसमें क्या है ना, कार्बन पर के ऐसे फॉल्ट हो गया। नॉर्मली ओपन वोल्टेज मेजर करेंगे तो वोल्टेज है, लेकिन जब लोड में दे देंगे तो वोल्टेज चला जाएगा। देखिए अभी जोड़ रहा है उसके साथ, अभी लोड में चेक कर रहा है, वोल्टेज चला गया। तो मैं दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल में कैसे खराब है, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है। तो क्या है फ्रेंड, ये लो प्रेशर स्विच सही है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोटिंग स्विच लगा है ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कैसे है मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए इसको मैंने कॉन्टिन्यूटी में देख के चेक करूंगा। अभी देखिए फ्रेंड अभी बीप साउंड आ रहा है कॉन्टिन्यूटी में। देखिए यहाँ पे 222-223 ओम्स आ रहा है, तो क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए। यहाँ पे ओम्स रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके वजह से अनलोड में अभी तो लोड नहीं था इसलिए वोल्टेज शो हो रहा था। इसलिए क्या होगा, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, मीटर में वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज शो हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग स्विच में तो वाटर प्रेशर डाउन है, अभी वाटर नहीं दिया है तो वोल्टेज सही दिखाएगा, तो हम लोग सोचेंगे फ्लोटिंग स्विच सही है। लेकिन ये फ्लोटिंग स्विच सही नहीं है, इसको चेंज करना है। फिर इसको चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसको हम खोलते हैं, फ्लोटिंग स्विच तो अभी नहीं मिलता है, मिल रहा है मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से कोलकाता में मिलता है, स्वाधीन मार्केट में बहुत दूर है, इसलिए इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे अभी, बाद में पार्टी को नया लगा के दूंगा। अब इधर देख सकते हो मैं इसके वैसे फिर काट दूंगा, नहीं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसको काटने के। से फ्रेंड देखिए यहाँ पे दो लॉक था, मैं प्लास्टिक का इसको काट दिया चाकू की मदद से। इसको खोलेंगे,
देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको खोल रहा हूँ, इसको खोल दिया। इसके फर्स्ट फ्रंट देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। इसमें क्या है ना, इस जगह में कार्बन पड़ गया था, इसको थोड़ा घिस देंगे तो सही हो जाएगा। इसको थोड़ा घिसेंगे, घिस के सही कर देंगे तो बाद में पार्टी को बोल देंगे, नया लाके लगा दूंगा। इधर इसको घिस दिया, फिर इधर इसको चेक करेंगे, इधर भी घिसना है इसको। देखिए बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन मैंने इसको सही से लगा दिया, बैठा दिया। अभी देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, पहले तो रेजिस्टेंस आ रहा था 220 ओम्स आ रहा था, फिर मैं इसको अभी लगा रहा हूँ, इसके बैक कवर को इसको लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, लिफ्ट स्विच को देखिए, लिफ्ट स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, देखिए आवाज़ आ रहा है, लिफ्ट स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, देखिए बंद हो गया, फिर देखिए चालू हो गया, बंद हो गया चालू, इसको सही हो गया, फिनिश सही हो गया। इसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा ग्लू डालेंगे, आयरन सोल्डर दे के हीट करके ग्लू डालेंगे, फिर इसको एडजस्ट करेंगे। फ्रेंड देखिए मैंने आयरन दे के इसका सील को फिर से सील कर दे रहा हूँ, देखिए इसको सील कर दिया, सील कर दिया, अभी सही हो गया। देखिए मीटर को छोड़िए, इधर देखिए, देखिए प्रेस कर रहा हूँ, सही होगा, इसको फिर लगाएंगे अभी। देखिए फ्रेंड इसको वायरिंग को अभी लगी लगा दे रहा हूँ। फ्रेंड देखिए ये जो दो वायर खुला है, लो प्रेशर स्विच है, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए देखिए मोटर चालू हो गया, अभी देखिए बंद कर रहा हूँ फिर से। देखिए फ्रेंड ये जो आवाज़ हो रहा है ना, देखिए आवाज़ की तरफ ध्यान दीजिए, ऐसे होता है तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, जब लो प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम होता है। अभी तो लो प्रेशर स्विच, ये फ्लोटिंग स्विच का प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए कुछ आवाज़ नहीं कर रहा है, पूरा डेड कंडीशन में हो रहा था। अगर फ्लोटिंग स्विच में बंद प्रॉब्लम होगा तो ऐसे आवाज़ होगा। तो फ्रेंड अभी तो इसको सही कर दिया, फिर फ्लोटिंग स्विच का कनेक्टर लगा दे रहा हूँ। अब देखिए फ्लोटिंग स्विच में लगा दे रहा हूँ, फ्लोटिंग स्विच को लगा दिया, ये लो प्रेशर स्विच, सॉरी ये लो प्रेशर स्विच है, इसको लगा रहा हूँ। देखिए इधर देखिए लो प्रेशर स्विच को लगा दे रहा हूँ, अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी लो काम नहीं करेगा क्योंकि लो प्रेशर स्विच एक्टिवेट होकर रह गया, लेकिन ये वाटर प्यूरीफायर सही हो गया।
अब इधर देखिए बहुत साइड टेप लगा था लेकिन ये पानी की वजह से बहुत साइड टेप खराब हो गया। यहाँ पे बहुत साइड से टेप लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लगा देना। टैप को लगा दे रहा हूँ, टैप को लगा दिया। फ्रेंड अभी नहीं चलेगा क्योंकि लो प्रेशर स्विच एक्टिवेटेड है। फ्रेंड अगर समझ में आ गया कैसे इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग काम करता है, अगर घर में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग खुद से रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो बस इसलिए ही बनाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।